कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के आई आर पे। आज मैं बॉर्डर के फैसलों को सरकार के द्वारा किया गया आदेश को जारी के ऊपर के दिखाना चाहता हूँ कि भारत नेपाल की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा 16 अक्टूबर से नवंबर मध्य तक नहीं खुलेगी। दरअसल नेपाल सरकार ने सभी विदेशी पर्यटनों के लिए सीमा खोलने का फैसला किया था। हालांकि नेपाल में कोरोना संक्रमण के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सीमा बंद रखने का फैसला है और आगे बढ़ा दिया गया। ऐसे मध्य नवंबर के बाद नेपाल की सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील कर रहेगी, मध्य नवंबर तक सील रहेगी भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इस वजह से लिया गया था यह फैसला, सरकार ने इस वजह से यह फैसला लिया था। और प्रदीप ग्वालियर ने पहले कहा था कि 16 अक्टूबर के बाद अब पर्यटनों के लिए बॉर्डर खोल दिया जाएगा, तो वह अपने वादे पे कायम नहीं रह पाए क्योंकि कोरोना काल हो गया, इसमें कोरोना के मरीज अधिक हो गए, तो जिसके कारण उन्हें बॉर्डर की तारीख एक महीने आगे बढ़ानी पड़ी। तो इसके कारण अब बॉर्डर 15 नवंबर को खोले जाएंगे। तो आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, जय नेपाल, बने रहिए हमारे साथ।